हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। काउंट फंक्शन को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द काउंट कॉलम नेम, जब आप काउंट कॉलम नेम लिखते हैं, जो एक सेंटेंस यहाँ पूरा लिखा गया है, द काउंट कॉलम नेम फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज, नल वैल्यूज विल नॉट बी काउंटेड, यानी कि नल वैल्यू है उसको काउंट नहीं किया जाएगा ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम। इसका सिंटैक्स है, सेलेक्ट लिखना है, काउंट कीवर्ड होगा आपका, आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसका आप काउंट करना चाहते हैं फ्रॉम टेबल नेम। ओके, देन सेकंड ये इस्तेमाल होता है, काउंट आप स्टार देते हैं बिटवीन ब्रैकेट्स, फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में कितने, एक कॉलम में, एक पर्टिकुलर कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये फिर टेबल में भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ कॉलम में या टेबल में वो आपको दिखाई देगा ही देगा। ओके, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, द काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, सेंटेंसेस का। ठीक है, थ्योरेटिकली हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही अच्छा है, आसान सा लग रहा है, बट देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट, जिससे कि और बेहतर तरीके से हमें यह समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ये टेबल बनाया है, नया टेबल जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, बिकॉज इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास ये टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑर्डर्स नाम का मैंने एक टेबल बनाया है, बहुत छोटा सा टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो काउंट के थ्रू हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहला अपना देखते हैं सेलेक्ट काउंट और कॉलम का नाम। तो चलिए हम लोग कॉलम का नाम यहाँ लिखते हैं CUSTID फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये क्या करेगा, ये आपको काउंट करके देगा कि आपके कॉलम में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, इस कॉलम में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, यानी ये कस्ट आई डी, यह कस्टमर आईडी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, कस्ट आईडी, इस कॉलम में क्या क्या कितने रिकॉर्ड्स हैं आपको ये फाइंड करके देगा। बट ये नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, जस्ट बिकॉज यहाँ कोई भी नल वैल्यू मैंने नहीं लिखा है तो उससे आपको पता नहीं चल पाएगा। बट इतना जान लीजिए कि यहाँ नल वैल्यू होता तो वो उसका काउंट नहीं करता। इट मीन्स कि अगर यहाँ 102 की जगह अगर नल रहता तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिकॉर्ड फाइंड करता, लेकिन अभी अभी अगर हम लोग इसको इंटर प्रेस करके देखें तो हमें ये आउटपुट में 8 मतलब रिकॉर्ड्स दिखाई देगा कि हाँ इस कॉलम में कितने 8 रिकॉर्ड्स हैं। जबकि यहाँ अगर कोई नल रहता, कोई भी एक अगर नल रहता तो नल को वो स्किप कर देता और सिर्फ आपको 7 ही दिखाई देता। ठीक है, अब एक हमारा एक और है जिसमें कि हम लोग यहाँ स्टार लिखते हैं। जब आप यहाँ स्टार लिखते हैं तो ये आपको बताता है कि आपके टेबल में, पूरे टेबल में कितने कॉलम्स हैं, मतलब सॉरी कॉलम्स नहीं, कितने रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो ये भी आपका आउटपुट में आपको 8 ही दिखाएगा, बिकॉज ये इस इन सभी को काउंट करेगा इंक्लूडिंग नल। आई थिंक पता नहीं ये RDBMS आपका RDBMS कैसे रेट करेगा, बट आई थिंक ये इंक्लूडिंग नल काउंट करता है, ये जो स्टार लिखते हैं हम लोग। तब ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, नाउ हमारा एक और है जिसमें कि हम लोगों ने डिस्टिंक्ट लिखा था। ठीक है, तो हम लोग इसमें से लिखते हैं इसको डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट काउंट स्टडी फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, जैसे आप इंटरप्रेस करते हैं आपको 3 दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप देखना चाहते हैं कि CUSTID में अलग अलग कितने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि 101 यहाँ है, 101 यहाँ है, 101 यहाँ, तो ये इसको एक ही काउंट करेगा। कस्टमर तो सेम है, बस उसकी आईडी अलग अलग है, सॉरी आईडी भी सेम ही है, कस्टमर आईडी भी सेम, यानी कस्टमर भी सेम ही, बस उसने ऑर्डर एक से ज़्यादा किया हुआ है। इसका इसने ये पहला ऑर्डर किया, फिर यहाँ पर इसका ऑर्डर है, फिर इसका यहाँ पर ऑर्डर, यानी इसने 3 ऑर्डर किया हुआ है तो इसको, लेकिन कस्टमर तो एक ही है। तो इस कॉलम का जब हम लोग स्पेसिफाई मतलब करेंगे तो हमें ये 101 101 101 तीनों मिलाकर एक ही काउंट में आएगा। फिर ये 102 को देखेगा कि 102 यहाँ है, 102 यहाँ, तो इसको ये 2 काउंट करेगा, और 103 103 103 ये 3 काउंट करेगा। और 104 रहता तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर 4 दिखाई देता है यहाँ, अगर 105 रहता तो 105 रहता तो 5 हमें दिखाई देता, अगर 105 दो बार रहता फिर भी हमें 5 ही दिखाई देता। ये क्लियर है? एक और सेलेक्ट सॉरी एक और काउंट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मुझे अगर जानना है कि 101 कस्टमर आईडी इसका 101 है, उसने कितने ऑर्डर किए हैं, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल सा ये जो हमारा स्टेटमेंट था सबसे पहले, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, वेयर क्लास एक लगा देते हैं, वेयर CUSTID इक्वल 7। ओके, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ उसी को काउंट करेगा जिसकी कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी हमें यहाँ देखनी पड़ेगी 101 आई थिंक,
101 है, ठीक है। सो इसको जब इंटरप्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ ऑर्डर नंबर 3 दिखाई देगा। वाई? बिकॉज 101 कस्टमर ने 3 ऑर्डर्स किए हैं, पहला ऑर्डर यहाँ है, दूसरा ऑर्डर यहाँ है और तीसरा ऑर्डर यहाँ है। उसी तरीके से हम लोग 102 का देखते हैं कि 102 का हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ 102 कर देता हूँ और अभी आपको दिखाई देगा कि 102 ने सिर्फ 2 ऑर्डर ही किया है। जैसे कि यहाँ एक पहला ऑर्डर इसका नंबर ऑर्डर आई डी 2 और यहाँ ऑर्डर आई डी 6 102 ने ऑर्डर किया है 2 ऑर्डर्स, सॉरी 102 कस्टमर ने ऑर्डर किया है 2। कोई प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का नाम मैंने पूरा टेबल अच्छी तरीके से नहीं बनाया है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, ऑर्डर का नाम हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, लैपटॉप से कुछ भी हो सकता है। वेल उतना क्लियर डिटेल जाने की हमें आवश्यकता नहीं, बस हमें टेबल समझना है और इस फंक्शन का यूज समझना है, जो कि आई थिंक कि आप लोग समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।